हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बबीता। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल तरीका से प्याज की पकौड़ी और उसके साथ मसालेदार चाय की रेसिपी शेयर करूंगी। सो आई होप आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे इस वीडियो को। तो चलिए इस बरसात के मौसम को और भी मज़ेदार बनाते हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने चार प्याज, सरसों का तेल, ये मैंने प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया है। अब हम लोग ऐसे करके छुड़ा देंगे, इससे बहुत ही क्रंची हमारा प्याज का पकौड़ा बनेगा। अब मैं इसमें नमक ऐड कर ले रही हूँ स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हम लोग। ये बहुत ही चटपटा और क्रंची पकौड़ा बनके तैयार होगा दोस्तों। धनिया जीरा पाउडर ये मिक्स है, मैं इसे भी दो चम्मच ऐड कर दे रही हूँ। बेसन छोटे कटोरा से एक कटोरा मैं ऐड कर दी हूँ। अब इसे अच्छी तरीका से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं इसमें पानी नहीं ऐड कर रही हूँ, प्याज भी अपना पानी छोड़ता है दोस्तों। पहले इसे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हल्का सा पानी का छींटा लगा के मैं इसे मिक्स कर दूंगी। देखिए मैं थोड़ा सा पानी का छींटा दे रही हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीका से, पानी ज़्यादा नहीं डालना है ना बेसन ज़्यादा डालना है दोस्तों। बेसन का खाली स्वाद आएगा, ये प्याज का पकौड़ा है तो प्याज रहेगा। ये देखिए ऐसे हथेली से दाब दाब के मैं इसमें दो मिर्ची भी काट ले रही हूँ। बहुत ही चटपटा पकौड़ा बनेगा हमारा। थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर दी मैंने। अब सभी को मिक्स कर लेंगे। तेल को मैंने हाई फ्लेम पे गर्म होने के लिए बैठा दिया है दोस्तों। ये सरसों का तेल है, इसमें और भी पकौड़ा चटपटा और टेस्टी बनेगा दोस्तों। आप चाहे कोई भी ऑयल में बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे हथेली से दाब दाब के पकौड़ा को मैं डाल दे रही हूँ। बरसात का सीजन हो और पकोड़ा बने तब तो मज़ा ही आ जाएगा दोस्तों। इसके साथ मैं आपको मसाले वाली चाय भी सिखाऊंगी बनाना। ये देखिए ऐसे हथेली से दाब दाब के मैं सभी पकोड़ा को तल लूँगी। देखिए मैंने बेसन ज़्यादा नहीं डाला है, सिर्फ प्याज ही दिख रहा है इसमें। इसी तरह से मैंने सभी प्याज के पकौड़े को डाल दिया है इसमें। अब धीरे धीरे से पलट देंगे, लो टू मीडियम आँच है, हाई फ्लेम ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों। ये देखिए धीरे धीरे मैं इसे पलट दे रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं हमारा पकौड़ा अब लाल हो रहा है। ये देखिए ये हमारा पकौड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल दे रही हूँ। इसके लिए मैंने दूध ले लिया है दोस्तों। दो कप चाय बनाने के लिए दालचीनी है, अदरक है, इलायची है, लौंग है। दूध को मैंने बैठा दिया है दोस्तों, लो टू मीडियम आँच है हमारा। अब सभी को कूट लेंगे अच्छी तरीका से। ये देखिए इस तरीका से, आप चाहें तो मिक्सी में क्रश भी कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना है, नहीं तो चाय हमारा तीखा हो जाएगा। देखिए मैंने इसे क्रश कर लिया है, दूध हमारा वो उबलने वाला है। अब इसमें हम लोग पहले चाय पत्ती डालेंगे दो चम्मच। ये उबलने लगा हमारा दूध। अब इसे मैं एकदम लो आंच कर दी हूँ दोस्तों। चाय हमारा जितना उबलता है उतना ही टेस्टी लगता है। ये क्रश किया हुआ मसाला मैं ऐड कर दे रही हूँ स्वाद के अनुसार। मैं इसमें चीनी डाल दे रही हूँ। अब इसे हम लोग ऐसे ऐसे हिला लेंगे, मिक्स करने से और भी अच्छा चाय बनेगा। बहुत टेस्टी और फ्लेवर वाला चाय बनेगा, एक बार आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। एकदम लो आँच में मैं कर दे रही हूँ इसे। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारी गर्मा गर्म मसालेदार चाय बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने इसे कुल्हड़ में छान लिया है। चाय पीने का असली मज़ा तो कुल्हड़ में ही आता है। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारी गर्मा गर्म प्याज की क्रंची क्रंची पकौड़ी बनके बिल्कुल रेडी है, और उसके साथ हमारी ये मसाले वाली चाय भी रेडी है। अगर मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आ रहा है तो हर बार की तरह मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।